स्टूडेंट्स, ये अब हमारा चैप्टर टू लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट टू रहेगा। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी कि किसी एक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, ओके, बेस्ड अपॉन द सेम कॉन्सेप्ट कि किसी इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है आपने एंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा बेस है लीनियर इक्वेशन का। अगर आपने ये समझ लिया तभी आप बड़ी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को ध्यान से समझ पाएंगे, इक्वेशन फ्रेम कर पाएंगे और इसको सोल्व कर पाएंगे। तो लेट अस सी पार्ट टू में हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। ये देखिए बड़ी सिंपल इक्वेशन है, x माइनस टू इज इक्वल टू सेवन, आपने इसको सोल्व करना है। अभी जैसे मैंने आपको स्टेप से बताया, मैं आपको दोनों वे से बता सकता हूँ। ये ध्यान से देखिए, x माइनस टू इज इक्वल टू सेवन है मेरे पास, ठीक है, आई नीड टू सोल्व दिस। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं स्टार्टिंग में ही कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं, एडिंग टू बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब क्या है, दैट इज एलएचएस एंड आरएचएस। मैं दोनों साइड पर इसमें स्टूडेंट्स ऐड कर रहा हूं, क्या टू को। और मैंने टू को क्यों ऐड किया, बिकॉज बेटा यहां पर टू सब्ट्रैक्शन में है, आप टू को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 2 एंड 2 दे विल बी कैंसल्ड। वो वही हमारी रिक्वायरमेंट है। देखिए मैंने 2 को ऐड कर दिया ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नाउ यू नो दैट कि दिस 2 माइनस 2 दे कैन बी कैंसल्ड, और यू कैन से 2 माइनस 2 इज 0। तो मेरे पास क्या बचा, आई हैव x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 विच इज 9। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 9। अदरवाइज अगर आप ये स्टेप नहीं शो करते हो स्टार्टिंग में, आपने यही करना है कि इन स्टेप्स के साथ करने हैं क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बोला एडिंग टू बोथ साइड्स। अदरवाइज अगर आप ये नहीं शो करते हो डायरेक्टली, यू कैन से कि इफ आई एम टेकिंग दिस टू ऑन द राइट हैंड साइड, टू को अगर मैं राइट हैंड साइड पर ले जाता हूं तो ये हो जाता है प्लस, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 9। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। लेट अस सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास, 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अब पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अगर मैंने कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है या मेरा वो राइट हैंड साइड पर, इट इज सेम ना। व्हाट आई मीन टू से, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, वो एक ही बात है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस या आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, बात एक ही है। तो आपने इसमें क्या करना है, यू कैन से subtracting 2 from LHS and RHS। मैंने दोनों साइड से 2 को subtract कर दिया, subtracting 2 from LHS and RHS। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, दोनों साइड से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप जनरली ये भी बोल सकते थे कि इफ आई टेक दिस 2 ऑन द राइट हैंड साइड दिस बिकम 6 माइनस 2, ओके। अभी मैंने आपको ऐसे बोला ये कैंसल्ड, तो z की वैल्यू हमारी 4 आ गई, ओके। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए अब इसमें हमारे दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले लॉन्ग वे में भी करके दिखा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है। आप सिंपलिसिटी के लिए एक चीज याद रखिए कि मैं हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना प्रेफर कर रहा हूं। तो आप यही करिए, मैंने बोला 7z प्लस 2 इज इक्वल टू 16, तो आप इसको रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको यहां पर नजर आ रहा है कि प्लस 2 है, पहले मुझे इसको हटाना है। तो वी कैन से सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है, अगेन आपको पता ही है अब तो, फ्रॉम एल एच एस एंड आर एच एस। मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम एल एच एस एंड आर एच एस। अब अगर आपने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये 7z प्लस 2 माइनस 2 16 माइनस 2, ठीक है। यहां से भी 2 सब्ट्रैक्ट, यहां से भी 2 सब्ट्रैक्ट। अब आपको पता है क्या होता है, कैंसल्ड,
सेवन जेड इज इक्वल टू 14। अब आप क्या करेंगे इसके बाद स्टेप, ठीक है, रोक के सोचिए और खुद से एक बार नोटबुक पे ट्राई करिए। क्या करेंगे हम यहां पर, मेरे पास सेवन जेड है तो आई विल से डिवाइड बाय 7, तो ऑब्वियसली दोनों साइड पर करना है, दैट आई नॉट डोंट नीड टू मेंशन नाउ। कभी भी आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे आप एक साइड पर नहीं कर सकते उसको। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास अब क्या आ गया स्टूडेंट्स, दिस 7 एंड दिस 7 इज कैंसल्ड, 7 टू जार 14, ये सबको कैंसिल करना आता होगा आई होप। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारी, वैल्यू ऑफ जेड इज 2, ठीक है। अभी ये मैंने आपको ऑपरेशन लगा के बताया कि आपने दोनों साइड पे 2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने दोनों साइड पर 7 से डिवाइड किया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ कि कैसे हम एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। तो हम एक काम करते हैं इसको अब डायरेक्ट ऑपरेशन लगा के करते हैं। देखिए क्वेश्चन इज 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। अभी आपकी ये टर्म प्लस है, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको ले गया राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो इट बिकम्स 17/7 माइनस 3/7, बन गई ना ये एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 17/7 माइनस 3/7। अब आपको पता है कि इसको हमें कैसे सोल्व करना है। वैसे तो आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, सबको 7th में फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो मैं न्यूमिनेटर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 17 माइनस 3 इज 14, डिवाइड में क्या है 7। ये आप तभी कर सकते हैं, बीच बीच में मैं आपको मैथ्स के मेन जो ऑपरेशन है हमारे वो भी मैं बताऊंगा। डिनोमिनेटर अगर सेम है हमारे, आप उसको एज इट इज लिख दीजिए, न्यूमिरेटर को माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर। तो ये क्या आ गया हमारा, 7 2 14, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 2/1, और आई कैन से मेरा आंसर 2 आ गया। अब हम आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे आप ध्यान देना, अब मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको कि मैंने दोनों साइड पे 3/7 को सब्ट्रैक्ट किया, ये किया वो किया, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपने ऐसे करने सारे क्वेश्चंस, बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। 3/7 को मैं राइट हैंड साइड पे ले आया, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया नॉर्मल ऑपरेशन, देन मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हम अभी फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन इसका नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन देखना है आपने। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो 2x/3 इज इक्वल टू 18, ऑपरेशंस को समझिए ध्यान से अगर आपको कोई भी डाउट है। अगर मेरे पास डिवीजन में नंबर है पहले, ठीक है, 2x के नीचे है सीधा, यहां पर कुछ और नहीं है साथ में प्लस माइनस, तो आपको क्या करना है, डिवीजन में है ये 3, आप इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 3 × 18 और 18 × 3 एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि 2x की वैल्यू आ गई 18 × 3 = 54, ओके। और एक्स हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है मेरा, ये जाएगा इसके नीचे, ये जाएगा डिवीजन में, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 54/2 विच इज इक्वल टू 27। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ इंपॉर्टेंट, अभी ये दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में थे, हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा पहले, अदरवाइज मैं इसको ऐसे भी ऑपरेट कर सकता हूँ, 2x इज इक्वल टू 18 × 3। अगर सपोज आपके पास बड़े नंबर है, आप मल्टीप्लीकेशन में टाइम खराब करेंगे, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं सीधा,
18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये बेटा हमारा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कैंसिल करके, देन यू कैन मल्टीप्लाई द लोअर नंबर्स, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 27। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, डिवीजन में टर्म गई, मल्टीप्लाई हो गई, जो मल्टीप्लीकेशन में वो आ गई डिवीजन में। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या है हमारे पास, y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6। ओके, अभी आप ये डेसिमल देख के डरना नहीं है, डेसिमल आपने 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो डेसिमल की नॉलेज आपको है। डिवीजन में कोई नंबर है वो चला जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन में तो दिस बिकम्स 1.6 इंटू 1.5। अब अगर आप इसको 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम इसको ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, डेसिमल के बाद वी हैव वन डिजिट, तो मैंने क्या किया 16/10 और 15/10, नीचे हमारा 10 आ गया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 10, 5 3 15, मेरे पास क्या आ गया 2 8 16। कैंसिल करना आप लोगों ने बहुत लोअर क्लासेस से सीखा हुआ है, तो 8 3 24 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2.4। यहां पर हमें मैथ्स में ध्यान देना होता है, अगर मैं यहां पर लिखकर ऐसे इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने लगता, आप भी करके देख लेना, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू दिस। जब मैंने इसको 16/10 और 15/10 लिखकर कैंसिल किया, ये मेरा कम टाइम लगा, 24/10 आ गया, मैंने इसको डायरेक्टली 2.4 लिख दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करके दिल लिख सकते हैं, बट आई थिंक ये इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैथ्स में जब भी आपके पास डेसिमल आए आई विल से कि आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7, 14y-8 इज इक्वल टू 13। ठीक है, आपने इसको सोल्व करना है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें बेटा, 14y, क्वेश्चन पेपर में भी जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, आपने उसको आंसर शीट पे लिखना है, तो हमेशा पहले क्वेश्चन को लिखिए इस तरह की स्टेटमेंट को। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, आप पूरी स्टेटमेंट प्रॉब्लम पहले उसको नोट करिए बैठ के, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो इसको पहले लिखिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं पहला स्टेप लिखना शुरू कर दूं। 14y 8 इज नेगेटिव, तो ये हमारा चला गया राइट हैंड साइड पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ये प्लस हो गया। ठीक है, नाउ 14y इज इक्वल टू व्हाट इज 13 + 8, 21। अब 14 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप क्या करेंगे, ये जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा मेरा डिवाइड। ठीक है, तो 7 3 21, 7 2 14, तो माय आंसर इज 3/2। डेसिमल में अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बट अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई वाई की 3/2। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन हमने लगाया, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही था ऑलमोस्ट ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए 6p है, जैसा मैंने आपको बताया था, आपके पास वेरिएबल्स में यू कैन हैव एक्स वाई आ सकता है, आपके पास पी आ सकता है, टी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और देखिए ध्यान से, ये अब जाएगा 17 राइट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा 9-17। ठीक है, ये सबको आता है, 9-17 क्या होगा, अपनी नोटबुक पे लिखिए, और जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं वीडियो देख के
तो क्वेश्चंस को साथ साथ करिए, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है बेटा। खाली वीडियो देख के आपने साइड में रख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप साथ साथ उसको सोल्व करिए नोटबुक पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -8। ओके, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ पी इज -8। 6 मेरा मल्टीप्लीकेशन में, ये जाएगा डिवीजन में। जब आपके पास कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में, अपने डिवीजन में लेके जाना है, उसका साइन नहीं चेंज करना उस टाइम पर। ठीक है, अब अगर आपको ये माइनस कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिख के हमेशा हैंडल करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। माइनस को साइड पे लिख दीजिए, ठीक है, उसको बोलो भाई साइड हो जा, हमें अपने नंबर्स को ऑपरेट करना है। तो आपके नंबर्स को ऑपरेट करके क्या आ गया, 2 4 8, 2 3 6, तो ये आ गया मेरा -4/3। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपका यहाँ पे 9 -17 विल बी -8, तो हमारी पी की वैल्यू आ गई -8/6 विच इज -4/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये हमारा 9th क्वेश्चन है, x/3 + 1 = 7/15। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें, x/3 + 1 = 7/15। एलसीएम लेना आपको आता होगा, ठीक है, मैं बीच बीच में आपको सिखा भी रहा हूं। अगर आपको कुछ बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो x/3 = 7/15 - 1। ओके, अब इसको ऑपरेट करने के लिए यहां पर यू कैन राइट इट एज 1/1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये कितना आ गया, x/3 = एलसीएम ऑफ 15 एंड 1 इज कितना आ गया, 15। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 7। देखो हम कैसे करते हैं इसको, आप लोगों ने ऐसे ही सीखा होगा 7th में कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो आप दोनों तरफ, वो भी आप मेथड कर सकते हो। अदरवाइज मैंने क्या कहा कि 15 और 1 का एलसीएम है 15, और मैंने इस 15 को इस 15 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। जो 1 आया, ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, 15/15 किया, दिस 15/दिस 15 कितना आ गया 1। इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आई हैव 7, वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अभी ये हमारा स्टैंडर्ड वे है, अदरवाइज कुछ आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि 7 × 1 = 7, 15 × 1 = 15। ठीक है, अभी अगर अदरवाइज अब अगर आप ऐसे देखें, 15/1 कितना हो गया 15, ठीक है, दैट 15 × 1 = 15। अब ये मेरा कितना आ गया, चाहे आप इसको डिनोमिनेटर सेम करके उस मेथड से भी कर सकते हैं जो आपने 7th में पढ़ा है। 7 - 15 कितना होता है बेटा, बोलो, 7 - 15 = -8। ओके, 15 - 7 = 8, देन बिकॉज बड़ा नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन। अब आपने क्या निकालना है यहां से, एक्स की वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे, 3 डिवीजन में है, ये चला गया मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, 3 था डिवीजन में, ये चला गया मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या बोलेंगे, -8/5। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू, 3 5 15, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें बस हमने एलसीएम लेना था, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। लेट अस सी अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, 4x/5 + 1 = 9/15। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा हूं, आपने क्या किया, 4x/5 + 1 = 9/15। तो हमने 9/15 -1 कर दिया, 1 मेरा यहाँ पे प्लस था, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया उसको, है ना, ऐसे हम बोलते हैं, तो ये हमारा माइनस हो गया। अब आपको फिर से एलसीएम लेना है, ठीक है, अब अगर आप डिनोमिनेटर सेम करके देखना चाहते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, इस 1 को हम लिख देंगे 1 × 15। ओके, और डिवाइड में भी 15,
ठीक है स्टूडेंट्स, 1/1 को मैंने लिख दिया 15/15 ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये आ गया 4x डिवाइडेड बाय 5। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमने न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया -6। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे देखिए ध्यान से, अभी मेरे पास आ गया ये, माय आंसर इज 4x बाय 5 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 15। आपको x को अलग करना है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था जो टर्म डिवीजन में है वो चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है वो आ जाएगी डिवीजन में। तो देखिए मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 5 हमारा हम ले गए अभी, ठीक है, और आप एक चीज और कर सकते हैं जहां पर भी आप सिंप्लीफाई कर सके, पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये मेरा अभी सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 2 6, 3 5 15, तो मेरे पास बचा -2/5। ठीक है, अब ये जो 5 है अब आप इसको राइट हैंड साइड पर ले गए, तो मैंने यहां पर लिख दिया 5, 5 से 5 भी मेरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, नाउ आई हैव 4x इज इक्वल टू -2। ठीक है, 4x इज इक्वल टू -2 को आप कैसे सोल्व करेंगे ये आपको ऑलरेडी पता है। व्हाट आई विल डू, मैं ये बोलूंगा कि ये जो 4 मेरा मल्टीप्लीकेशन में है ये चला जाएगा डिवीजन में, तो मेरे पास आ गया -2/4। अब आप फिर से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बेटा हमारा आंसर आ गया -1/2, ये हमारा आंसर है। एक बार फ्लो देख लीजिए इसका, अगर आपको कहीं पर डाउट है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके सुनिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए अच्छे से। तो ये थी हमारी अभी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल।